Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ tasty hot and sour soup की रेसिपी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक पैन में हम लोग ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेटेड गार्लिक. इसे थोड़ी देर भूनने के बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर. अब हमें इसमें जिंजर और गार्लिक को अच्छे से पकाना है और जब ये पक जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप की हुई कैबेज और चॉप किए हुए मशरूम. कैबेज और मशरूम में अपना काफ़ी पानी होता है, इसीलिए इन्हें मैं पहले ऐड कर रही हूँ. जब कैबेज और मशरूम थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की वेजिटेबल्स. तो अब ये देखिए, जो कैबेज और मशरूम हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी चॉप की हुई कैरेट्स, ब्रोकली और रेड बेल पेपर. आप इसमें अपनी मर्ज़ी की और सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं. और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा ब्लैक पेपर. अब हम वेजिटेबल्स को अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे वेजिटेबल स्टॉक या फिर हॉट वाटर. मैं ये रेसिपी बना रही हूँ 3 लोगों के लिए. आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसमें इंग्रेडिएंट्स उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. तो अब हमने इसमें हॉट वाटर ऐड कर लिया है, तो अब हम लिड लगा के इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देंगे. तो अब लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो सूप है ये काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी का है. तो इसे थिक करने के लिए इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च. ज़्यादा कॉर्न स्टार्च नहीं ऐड करेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है. और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस. अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप विनेगर की जगह इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं. और अब इन सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे. आप चाहें तो आप इसकी जगह यहाँ पे 1/2 चम्मच चीनी का भी ऐड कर सकते हैं. और अब हम इसी तरह से सूप को थोड़ी देर चलाते रहेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे स्प्रिंग अनियन और कोरिएंडर लीव्स. और इस तरह से इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्सअप हो जाएं. और ये जो हमारा हॉट एंड सॉर सूप है ये बनके तैयार हो चुका है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें. मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में. तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.